हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेयर पैक जो आपके डैमेज एंड फ्रिजी हेयर को रिपेयर करेगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं अभी लॉकडाउन सीरीज मैंने स्टार्ट की है जो कि आप देख सकते हैं। मेरे जो चैनल पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं लॉकडाउन से रिलेटेड ही वीडियोज़ बना रही हूँ जो कि आप अभी के टाइम पर घर पर बैठ के कर सकते हैं, अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये फ्रिजी हेयर के लिए है। लाइक मुझे कमेंट आया था कि मैं कुछ ऐसा हेयर के बताऊँ जो आपके डैमेज एंड फ्रिजी हेयर को रिपेयर करे, बट ये जो हेयर पैक है गाइस ये आपके डैमेज फ्रिजी हेयर को रिपेयर करने के साथ साथ आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, प्लस आपके बालों को गिरने से रोकेगा एंड लंबे करने में हेल्प करेगा। सो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं किस टाइप से आप ये हेयर पैक बना सकते हैं। एंड अगर आप अपने बालों से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में है एंड आप चाहते हो तो अभी टाइम है उसको ट्रीट करने का, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। लॉकडाउन के टाइम पर आप अपने बालों के स्किन की केयर कीजिए एंड अपने बालों को हेल्दी बनाइए, शाइनी बनाइए एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाइए एंड नेचुरल चीज़ों से कीजिए ताकि जो हेयर है वो एकदम हेल्दी रहे। मैंने हेल्दी बहुत बार बोल दिया है एंड स्किन की भी केयर करनी है। तो अगर आप कुछ चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्रॉब्लम अपनी, मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी ज़रूर अपलोड करूँगी। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो चलिए ये पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फर्स्ट आपको लेना है आंवला पाउडर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑरिगेंस का आंवला पाउडर, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, नॉर्मली भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो। 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर लेना है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ नीम पाउडर, इसके आपको 2 टेबलस्पून लेना है। नीम हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके स्कैल्प इन्फेक्शन हो गई है या कुछ हो गया है, अगर घमोरियाँ हो रही है अभी गर्मी के टाइम पे, तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके बाद आप अपने हिसाब से कर्ड ऐड कर दीजिए, जितना भी पैक के हिसाब से आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको हाफ जो है लेमन कट करके उसका जूस निकाल के ऐड कर देना है, अच्छे से थोड़ा मिक्स कीजिए। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रस्टी काटा कोकोनट ऑयल। 1 टेबलस्पून आप कोकोनट ऑयल ऐड कर लीजिए, नहीं हो तो आप कोई भी अपना फेवरेट ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे तो पैक कुछ इस टाइप से बन जाएगा। सो चलिए इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। इसे लगाने से पहले अच्छे से अगेन मिक्स कीजिए एंड अपने स्कैल्प में पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, अच्छे से स्कैल्प पे लगाना स्टार्ट कीजिए। इसमें मैंने ऐड किया है आंवला पाउडर। आंवला हमारी हेयर में जो प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग हो जाती है उसको रोकता है, हमारे बालों को शाइनी बनाता है, हमारे बालों को गिरने से रोकता है, लंबे करने में हेल्प करता है। कर्ड हमारी हेयर को स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है, प्लस हमारी हेयर में जो स्प्लिट एंड्स हो गई है उसको रोकने में हेल्प करता है। लेमन एंड नीम हमारी स्कैल्प के इन्फेक्शन को रोकता है, हमारी जो स्कैल्प है उसमें ऑयलीनेस हो गई है उसको रोकता है, प्लस अगर आपके डैंड्रफ वगैरह हो गई है तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है। कोकोनट ऑयल आपकी हेयर को शाइनी एंड मैनेजेबल बनाने में हेल्प करता है, प्लस आपकी हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। 1 आवर रखना है आपको पैक को एंड उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं, बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं, आपकी हेयर बहुत स्मूथ लगेंगी एंड प्लस आपकी हेयर बहुत ज़्यादा मैनेजेबल लगेंगी। फ्रिजी हेयर के लिए ये वाला पैक बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड अगर आप अपने बालों को बहुत जल्दी लंबा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। स्कैल्प की इन्फेक्शन है कुछ तो भी आप ये पैक लगा सकते हैं। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो आपके जितने भी डैमेज हेयर हो आपके हेयर को ये बहुत अच्छे से रिपेयर करने में हेल्प करेगा। सो ये आप देख सकते हैं लास्ट इफेक्ट। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी से ट्राई कीजिए पैक घर पे। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।